ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द एक्सप्रेशन. दीज टू एक्सप्रेशंस आर गिवन, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. क्या दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, इन दोनों का सम करेंगे, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. किस में से, इसमें से. इट मीन्स जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस टर्म में से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी हैव टू फाइंड आउट, सम ऑफ, सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ, सम ऑफ 3a प्लस 2ac माइनस 3bc एंड 6bc माइनस 4ac प्लस 2ab. इन दोनों को ऐड करना है. एनी मेथड यू कैन चूज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल. मैं आपको इसको वर्टिकल से कर दिखा देती हूँ. तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है. राइट द टर्म्स. अब BC कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो 6BC माइनस 4AC, AC इसमें कहीं है ही नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे इसको अलग से. नाउ 2AB प्लस 2AB, यहाँ पर AC था तो ये आ गया आपके पास AC. 3A प्लस 2AC माइनस 3BC, 6BC माइनस 4AC, तो यहाँ आ जाएगा ये 4AC. अब 2AB कहीं पर भी नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2AB. लाइक इन दिस वे यू हैव टू अरेंज. नाउ अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है. तो ये एज इट इज माइनस 2AC प्लस 3BC, ये एज इट इज, ठीक है. अब आपको क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको. किस में से, इसमें से. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ ये टर्म लिखोगे आप 3bc प्लस 2ab फ्रॉम, किस में से, 5ab माइनस 4ac प्लस 7bc. सब्ट्रैक्ट कर दो. अब ये पहले टर्म आएगी 5ab 4ac प्लस 7bc, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना. अब 3a नहीं है, तो आप कहीं पर भी लिख दो इसको, यहाँ पर लिखो या फिर यहाँ पर. 3a माइनस 2ac यहाँ पर है, माइनस 2ac. 3bc 2ab ab, दिस इज. नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन चेंज कर दो. यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये दोनों साइन प्लस थे तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है. नाउ क्या बचेगा आपके पास, 3ab साइन ग्रेटर 1 का. अब ये साइन है ही नहीं, तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस. तो 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2ac साइन ग्रेटर 1, ग्रेटर 1 का क्या है, माइनस. नाउ हेयर ये साइन नहीं है, ये रेड वाला साइन है, तो 7 माइनस 3 4bc साइन प्लस, और इसको एज इट इज, इसका साइन अब क्या हो गया आपके पास, माइनस 3, माइनस साइन हो गया ना, तो माइनस 3a यू हैव टू राइट डाउन. सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आपको क्या करना था, जैसे इन दोनों को ऐड करना, जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप इसमें से. लाइक इन दिस वे यू हैव टू डू. नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम लाइक एज दिस. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सेम वही लिखा हुआ है ना, सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ. अब नेक्स्ट भी टू टर्म्स गिवन है आपको. देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो वही है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है. फिर आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों के सम में से. जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करोगे. तो आप यहाँ पर पार्ट्स बना लो,
Now this is sixth question. Sum of a square minus 3b square plus 4abc and c square minus 3abc plus 4a square. आप यहाँ से इसको सम करो तो क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस थ्री बी स्क्वेयर प्लस फोर ए बी सी. सी स्क्वेयर नहीं है, प्लस साइन है तो यहाँ लिख दो माइनस थ्री ए बी सी प्लस फोर ए स्क्वेयर. तो क्या बन गया आपके पास ये फाइव ए स्क्वेयर माइनस थ्री बी स्क्वेयर प्लस वन आएगा. नो नीड टू राइट, ये आ गया. अब इन दोनों को ऐड करो आप. नाउ सम ऑफ टू सी स्क्वेयर माइनस सिक्स ए बी सी प्लस टू ए स्क्वेयर एंड सेवन बी स्क्वेयर प्लस फाइव ए बी सी प्लस थ्री सी स्क्वेयर. ठीक है, नाउ इन दोनों को ऐड करोगे आप क्या आएगा टू सी स्क्वेयर माइनस सिक्स ए बी सी टू ए स्क्वेयर सेवन बी स्क्वेयर. बी स्क्वेयर नहीं है, यहाँ लिख दो फाइव ए बी सी फाइव ए बी सी. सी स्क्वेयर दिस इज सी स्क्वेयर. ऐड करोगे क्या आएगा फाइव सी स्क्वेयर माइनस ए बी सी प्लस टू ए स्क्वेयर सेवन बी स्क्वेयर. ये आ गया. अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. लिखा क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इन दोनों के सम में से हमको क्या करना है इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट. तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो. पहले आप ये वाली टर्म लिखोगे फाइव सी स्क्वेयर माइनस ए बी सी प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस सेवन बी स्क्वेयर. ये सब्ट्रैक्ट करना है फाइव ए स्क्वेयर. ए स्क्वेयर यहाँ पर है. थ्री बी स्क्वेयर माइनस थ्री बी स्क्वेयर प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वेयर. सब्ट्रैक्ट करना है सो यू हैव टू चेंज द साइन. इसका साइन माइनस प्लस था तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, इसका साइन प्लस था तो फाइव माइनस वन फोर सी स्क्वेयर. इन दोनों को अब आप देखो माइनस माइनस प्लस तो टू ए बी सी और साइन क्या आएगा माइनस. अब ये साइन नहीं है, ये साइन है इनके. नाउ दिस इज थ्री ए स्क्वेयर साइन माइनस. नाउ दिस इज टेन बी स्क्वेयर. लाइक इन दिस वे यू हैव टू सोल्व. पहले आपने इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर जो आंसर आया आपने उनको क्या किया सब्ट्रैक्ट. लाइक इन दिस वे यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. आई होप नाउ दीज आर क्लियर टू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन. व्हाट शुड बी एडिड टू दिस नंबर टू गेट दिस. मीन्स हमें इसमें क्या ऐड करना है कि हमारे पास ये नंबर मिल जाए. मैं आपको प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी टर्म पहले लिखनी है. जैसे यही है कि हम फोर में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास इलेवन बन जाए. आपको क्या करना है कि फोर में क्या ऐड करूं कि मेरे पास इलेवन बन जाए. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही है, इसमें भी यही है ना कि इसमें हम क्या ऐड करें कि वो बन जाए. तो आप क्या करोगे इलेवन माइनस फोर करोगे ना तो आपके पास वो नंबर क्या आ जाएगा सेवन. इट मीन्स यहाँ सेवन आ जाएगा. तो मैंने क्या किया इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो आप यहाँ से रिलेट करोगे इसको तो क्या आएगा आप इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. या तो आप ऐसे कर सकते हो या कोई भी और नंबर मान लो p. जैसे आप इसमें ऐसे कर दो 3m स्क्वेयर माइनस 5n स्क्वेयर में अगर आप p ऐड कर दो तो ये बन जाएगा. जैसे आप इक्वेशंस को सोल्व आउट करते हो फिर इस p को यहाँ रखकर इसको उधर शिफ्ट कर लेना माइनस हो जाएगा. बात वही है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन होगा इसमें भी. सो चॉइस इज योर्स हाउ यू आर डूइंग. नाउ मैं आपको
दोनों मेथड बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। सपोज करो मैं इसमें ऐसे ही मान लेती हूँ सॉल्यूशन ऑफ 7 क्वेश्चन दैट लेट पी, कोई भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन मान ली हमने, ये कि इज, ये नंबर नहीं माना हमने, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन माना है, इज एडिड टू 3m² - 5n²। तो अब इसमें क्या आया है 3m² - 5n² + p n² + 3mn। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है ना, इसको एज इट इज रखो, ये इक्वेशन सोल्व आउट करने वाला हो जाएगा। फिर ये कि आपको इक्वेशंस कैसे सोल्व आउट करनी है, माइनस देखो अब ये प्लस है तो माइनस में बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस में। अब लाइक टर्म्स m² 4 - 3 1 m², ये क्या बन गया 6n² 3mn। सो दिस इज द आंसर, दिस टू बी एडेड। सो हेंस m² + 6n² + 3mn बी एडेड, दिस इज द आंसर। सो लाइक इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सोल्व आउट। और जब मैंने पहले बताया था तो आप क्या करो डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख कर, पर आपको पता होना चाहिए कि आप पहले क्या लिखना है आपको, ये नंबर या फिर ये नंबर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा -5n². अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे 6n² + 3mn। एनी मेथड यू कैन चूज, चॉइस इज योर्स, ये वाला या फिर वो वाला। पर इस ये मेथड करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहले ये वाला नंबर लिखना है या फिर ये, या प्रैक्टिकली कोई भी एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल लेकर आप ऐसे देख लेना कि हमारे पास पहले टर्म कौन सी आएगी। ओके नाउ लेट्स 8th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सेम लाइक एज दिस क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन वट यू हैव टू डू, वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये नंबर मिल जाए हमारे पास। वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जैसे अब वही आ जाए कि 11 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 4 मिल जाए। लाइक इन दिस वे 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि 4 मिल जाए, तो आप कैसे करोगे इसको 11, जैसे 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये नंबर 7 आ जाएगा, तो ऐसे आएगा ये 7 नंबर कि आपके पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब आपके पास नंबर आ जाएगा वो। सो चॉइस इज योर्स, इसमें भी आप पी नंबर मानकर चल सकते हो, तो कैसे करोगे इसको मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ 3x² + 2xy² - 5xy² - 2x² नाउ इट इज 2x² अरेंज कर दो टर्म्स को, प्लस साइन है इसका 3y² - 2xy² - 5xy² तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इसको, जो साइन है उनको क्या कर दो आप चेंज, प्लस प्लस, अब यहाँ कोई टर्म नहीं है ना तो आप इसका साइन चेंज नहीं करोगे, हमें बस जो नीचे टर्म है उनको ही, उनके ही साइन चेंज करने हैं। सो दिस इज 3 + 2 5x² - 7xy² ये एज इट इज। नाउ दिस इज -2y² - -4x² लाइक इन दिस वे, तो ये नंबर आ जाएगा। सो हैंस आप फाइनल आंसर लिख देना, दिस एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या फिर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज दिस, हैंस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये आप लिख देना। सो बाई दीज मेथड्स यू कैन सोल्व आउट योर क्वेश्चन।